नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदेश पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल सुना रहा हूं बाबा नीम करोरी की अद्भुत कथाएं। आज ऐसी शख्सियत से जिसने देश का तिरंगा, देश की विचारधारा को शिखर पर पहुंचा दिया था, जो हमारे बीच नाम विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी। यहां पर हम बाबा नीम करोरी की जो तपस्थलियाँ रही हैं उनमें से हम काकड़ी धाम आए हुए हैं। तो काकड़ी धाम में आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये शिप्रा नदी बह रही है और यहाँ पर ओम कर्क कर्केश्वर महादेव मंदिर काकड़ी धाम, यहाँ ये एक ऐसी जगह है जहाँ स्वामी विवेकानंद ने 3 दिन तपस्या की थी। तो मैं यहाँ से अब आपको स्वामी विवेकानंद की तप स्थली को नमन करा रहा हूँ। बाबा नीम करोरी की तप स्थली सामने ही है और बाबा नीम करोरी की तप स्थली यहाँ पर और स्वामी विवेकानंद की तप स्थली भी हमें जब यहाँ मिली तो मैंने सोचा कि महाराज जी जहाँ पर तपस्या करने आए वहाँ हम आपको भी ले चलते हैं। आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये क्षिप्रा गंगा मैया बह रही हैं यहाँ पर और यहाँ पर आप इस तप स्थली में जा रहे हैं जहाँ स्वामी विवेकानंद ने तपस्या की है। मैं आपको सीधा लिए चलता हूँ स्वामी विवेकानंद की कुटिया की तरफ जहाँ वो तपस्यारत रहे थे, 3 दिन तपस्या की है यहाँ पर। और ये देखिए स्वामी विवेकानंद समिति की समिति उन्हीं के नाम से बनी हुई है। मैं आपको इस मनोरम दृश्य की झांकी दिखा रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर पहाड़ों, हिमालय के पहाड़ में ये संत जो तपस्यारत रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर ये स्थान बहुत ही ध्यान केंद्रित करने वाला ये स्थान रहा है। पहाड़ों के बीच, दो पहाड़ों के बीच ये देखिए क्षिप्रा नदी बह रही है और मैं चल रहा हूँ स्वामी विवेकानंद की तप स्थली की तरफ। तो सबसे पहले मैं उन देव महादेव के आपको दर्शन करा रहा हूँ जिनकी संतों ने पूजा की है, जिन्हें स्वामी विवेकानंद ने भी पूजा, और उनके आप दर्शन कीजिएगा। ये शिव मंदिर है और मैं आपको उनके दर्शन करा रहा हूँ। बस कुछ ही पलों में आपको लिए चल रहा हूँ, ये शंकर जी के आप दर्शन, महादेव के दर्शन कर लीजिएगा। यहाँ बताते हैं कि संत जन आते हैं, क्षिप्रा नदी में स्नान करते हैं और इन भोले बाबा की पूजा। विवेकानंद के बारे में ये कोसी नदी के तट पर स्थित काकड़ी धाम विश्राम किया, पीपल के इसी वृक्ष के नीचे ध्यान केंद्रित करते हुए अनुभूति हुई कि संपूर्ण विश्व एक अखंड है तथा सूक्ष्म परमाणु तथा विराट ब्रह्मांड दोनों की संरचना एक ही नियम के अनुसार हुई है। और ये पीपल का वृक्ष है। अब आपको लिए चलता हूँ स्वामी विवेकानंद के ध्यान केंद्र की तरफ। ये ध्यान केंद्र है, स्वामी विवेकानंद की गुफाओं की तरफ मैं चल रहा हूँ और ये देखिए ध्यान केंद्र है। और ये अब इसका निर्माण कर दिया गया था, यह कुटिया में रहे थे स्वामी विवेकानंद। तो इस ध्यान कक्ष को आप देख लीजिएगा, ये इसी जगह स्वामी विवेकानंद 3 दिन तपस्यारत रहे थे। ये आपको यहाँ पर भैरव जी का मंदिर है और भैरव जी का मंदिर पर हम आपके दर्शन करवा रहे हैं। ये आप भैरव बाबा के दर्शन कीजिएगा, भैरव बाबा के दर्शन करिएगा। यहाँ पर शिव रूप में भैरव बाबा यहाँ पर विराजमान हैं और यहाँ बहुत ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये प्राचीन भैरव बाबा का मंदिर है और शिव रूप में यहाँ पर विराजमान है। आप नज़दीक से दर्शन कर लीजिएगा और ज्योति जल रही है, आप देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद की तप स्थली का सीधा चित्रण।
आपको बाहर से भी दिखा दे रहा हूँ, और ये भैरव बाबा का है, और ये देखिए गुफा का एक दृश्य और मैं दिखा रहा हूँ, जिसका आधुनिकीकरण कर दिया गया है। पहले कुटिया थी और इसी जगह ध्यान लगाया था स्वामी विवेकानंद ने। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।